भिंड जिले में लगातार खाद की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। पिछले साल से इस बार जिले में अधिक मात्रा में खाद की जरूरत है, इसके बावजूद किसान परेशान हैं। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। सुबह से किसान लाइन में लग जाते हैं, फिर भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा। भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने आज टोकन केंद्र नई गल्ला मंडी का निरीक्षण किया, जहां किसानों को भरोसा दिलाया गया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है। छोटे किसानों को अभी टोकन दिए जा रहे हैं, जो बड़े किसान हैं उनके लिए अलग से टोकन दिए जाएंगे। कलेक्टर ने अलग अलग 3 केंद्र बनाए हैं। नई गल्ला मंडी में टोकन काटे जाएंगे, पुरानी गल्ला मंडी में पर्ची काटी जाएगी और दाल मिल गोदाम पर खाद का वितरण होगा। बताया गया है कि रोज 200 किसानों को खाद का वितरण किया जाएगा और महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाई जाएगी। आज जो जितना भी लोग यहाँ नया गल्ला मंडी में आए हैं, सभी को टोकन बांटा जाएगा। इसके अलावा हमने ये इंस्ट्रक्ट किया है कि लगातार टोकन बढ़ जाएगा, ताकि ये केवल एक दिन में इतना भीड़ इकट्ठा होना वो ना हो, और एक एक दिन के लिए 200 टोकन बढ़ जाएगा। जितना भी लोग यहाँ हैं उसमें 200 लोग के लिए एक डेट, और 200 और एक्स्ट्रा 200 लोग हैं तो उनको दूसरा डेट, ऐसे करके हम लगातार बांटेंगे। और वहाँ जो उस डेट के आधार पर पुराना गल्ला मंडी में आ जाएंगे तो उनको खाद अपना सुविधा अनुसार लेके जा सकते हैं। तो वो टोकन के इशू है, मतलब टोकन के अलावा भी कुछ लोग मतलब आ जाते हैं, तो इसलिए हमने 2 व्यवस्था किया है। आपने देखा होगा कि पहले पुराना मंडी में पूरा टोकन वितरण भी वहीं हो रहा था, और जो रसीद काटना एवं खाद वितरण उसको अलग अलग कर लिया। अभी ये टोकन वाला यहाँ नया गल्ला मंडी से टोकन वितरण करेंगे और रेगुलरली करते रहेंगे, ताकि लोग परेशान ना हो। मतलब रोज़ जितना लोग आ रहे हैं तो उनको टोकन वितरित हो गया, कोई ना कोई डेट मिल जाएगा। इतना ही है, हम किसान से ये आग्रह कर रहे हैं कि उस डेट में, उस जिस दिनांक को टोकन आपको दिया गया है उस डेट में पुराना गल्ला मंडी में आ जाएंगे तो वो आपको वहाँ व्यवस्थित मिल जाएगा। यहाँ दूसरा है, भिंड मुख्यालय होने के कारण थोड़ा मैगांव अमायन साइड रोन साइड से भी किसान यहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा भीड़ मुझे लग रहा है।